क्वेश्चन है 10th CBSE मैथ एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर 12.33 ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एज डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो डायग्राम यहाँ पर है, ए बी सी ट्राइंगल है और ये बी सी इतना पार्ट जो है वो सेक्टर है और यहाँ पर एक ये जो दूसरा पार्ट है वो आपका सेमी सर्कल है। यहाँ से ये पार्ट सेमी सर्कल है। ओके, तो हमको बेसिकली ये शेडेड जो रीजन है उसका एरिया निकालना है अब। और ये जो सेक्टर है इसमें और ये जो सेमी सर्कल है इसमें, ये दोनों में कॉमन पार्ट ये सेगमेंट है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो बी सी है उसको निकाल लेते हैं। ये जो रेडियस दिया हुआ है सेक्टर का 14 सेंटीमीटर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बी सी हम निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 14² + 14² तो विच इज़ इक्वल टू 196 + 196 विच इज़ इक्वल टू 392 है। तो विच इज़ अ डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो बी सी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, सो उसके बाद में एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये जो सर्कल है यहाँ पर ये वाला पार्ट का एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन टू आर, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ये जो सेमी सर्कल है उसका है। तो पाई का हो गया 22/7 इंटू आर जो हो गया वो ये डायमीटर है। तो रेडियस जो हो जाएगा रूट ऑफ 392/2। तो रूट ऑफ 392/2 विद द होल स्क्वायर इंटू 1/2 ये इधर पे आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 1 से और यहाँ पर हो जाएगा 11/7 इंटू ये पावर जब जाएगा तो रूट ऑफ 392 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद में ये 7 392 को डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा। तो 11 × 56/4 का जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो 11 × 14 हो गया, तो जो कि 154 cm² आ गया। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो यहाँ से लेके इतना पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ से इतना ये पार्ट का। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, क्योंकि वो जो है फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल है, एक क्वाड्रेंट है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई के यहाँ पर आ गया 22/7 इंटू 4 है तो ये 1/4 इंटू आर स्क्वायर 14 × 14। इसको जब सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 11 × 14 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 154 हो जाएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये पार्ट हो गया इतना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इज 1/2, बेस जो है 14 है, हाइट भी 14 है, बिकॉज इसका बेस भी 14 है हाइट भी 14 है। सो जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 11 × 14 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 154 हो गया। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 × 14 विच इज़ 98 आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये जो बीच का पार्ट हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ सेक्टर जो है 154 आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वह 98 होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 आ जाएगा। उसके बाद में हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है वो 154 है माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो 56 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 cm² आ जाएगा। बाय।